इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं फ्रेंड्स कि अगर आपको अपने वन प्लस के मोबाइल फोन में एक सेटिंग मिल रहा है ऑप्टिमाइज बैटरी यूज का, तो दोस्तों ये सेटिंग्स क्या होता है और इससे क्या होता है इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं। चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, पास वाले नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल के ऑप्शन पर जरूर क्लिक करिएगा। ये कैसे और कहाँ पर मिलता है इसके लिए आपको वन प्लस मोबाइल फोन की सेटिंग में जाना है, सेटिंग में जाकर नीचे आना है। नीचे आने पर यहाँ बैटरी का मिलता है ऑप्शन, इस पर आप करिए क्लिक। इसमें आप नीचे आइए तो नीचे आने पर मोर सेटिंग्स का ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक करिए। इसमें आपको यहाँ ऑप्शन मिल जाता है ऑप्टिमाइज बैटरी यूज का। अब दोस्तों देखिए इस सेटिंग का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब दोस्तों ये होता है कि आपका फोन आपको अपने बैटरी यूज को ऑप्टिमाइज करने के लिए कह रहा है। मतलब दोस्तों जो ऐप बैकग्राउंड में आपके बैटरी को बिना किसी काम के यूज कर रहा है तो उसको दोस्तों बंद कराकर आप जो है दोस्तों अपने बैटरी ऑप्टिमाइज मतलब बैटरी यूज को आप कम कर सकते हैं, जिससे आपका बैटरी लंबे समय तक चले। अब यहाँ ऑप्टिमाइज बैटरी यूज पर क्लिक करिए और देखिए आपको और आपको दोस्तों ऐप पर क्लिक करना है। जिस भी ऐप में डोंट ऑप्टिमाइज सेलेक्ट है इसका मतलब है वो ऐप आपके बैकग्राउंड में बैटरी को यूज कर रहा है, तो उसमें आपको ऑटो ऑप्टिमाइज को देना है सिलेक्ट कर। तो इससे क्या हुआ कि वो ऐप आपके बैकग्राउंड में बैटरी को यूज नहीं करेगा और आपका बैटरी सेव होगा। तो इसी तरीके से दोस्तों सभी ऐप में आपको ऑटो ऑप्टिमाइज को देना है सिलेक्ट कर, तो ये बैक तो फिर दोस्तों उस ऐप का बैटरी दोस्तों ऑप्टिमाइज हो जाएगा और वो आपके ज़्यादा बैटरी को यूज नहीं कर सकेगा। सो इस तरीके से दोस्तों आप इस ऑप्टिमाइज बैटरी यूज सेटिंग को यूज कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया है लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर करेगा।